नमस्कार, मैं योग गुरु राजेश। आज इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये घुटनों की जो प्रॉब्लम पर हम बात कर रहे हैं, घुटने की प्रॉब्लम आपको भी हो सकती है या आपके परिवार के किसी भी सदस्य को हो सकती है। आज अधिकांश लोगों को घुटनों में प्रॉब्लम है, घुटनों में स्टिफनेस, घुटनों में पेन, और कई बार जब ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो घुटने की सर्जरी तक भी सजेस्ट की जाती है। आप ठीक से चल नहीं पाते, आप सीढ़ियों पर नहीं चढ़ पाते, आप लंबे समय तक कहीं अगर आपको लाइन में लगना पड़ जाए तो आप लाइन में नहीं लग पाते, तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं घुटनों के कारण होने लगती हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। और ये समस्याएं महिलाओं में अधिकांश पाई जाती हैं, और इसका जो मुख्य कारण है वो है आपका पाचन तंत्र का कमजोर होना। पाचन तंत्र जब व्यक्ति का वीक हो जाता है तो जठराग्नि, हमारा जो जठर भाग है, पाचन का जो मुख्य जो काम करती है हमारी बॉडी में, वो जठराग्नि, उसको डाइजेस्टिव फायर कहते हैं। तो डाइजेस्टिव फायर जब हमारी वीक पड़ जाती है तो हमारी बॉडी में कुछ विषैली पदार्थ बनने लगते हैं जिनको हम टॉक्सिसिटी कहते हैं। तो ये टॉक्सिक पदार्थ जब ब्लड के साथ आपकी बॉडी में घूमते हैं तो अधिकांश खड़े रहने के कारण ब्लड का फ्लो नीचे की तरफ रहता है, पैरों की ओर रहता है, तो आपके घुटनों में ये जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं। आयुर्वेद की भाषा में यदि हम इसकी बात करें तो इसे आम कहते हैं। तो आम जब आपके घुटनों पर डिपॉजिट हो जाता है तो ये स्वेलिंग और लिगामेंट्स को वीक कर देता, कमज़ोर कर देता है, मांसपेशियों को कमज़ोर कर देता है, जिस कारण से नी की अनेकों प्रकार की समस्याएं सामने आती हैं। अगर आप बात करें तो घुटनों में आप अपना भी चेक करके देखिए कि आपके घुटनों से भी कहीं ना कहीं आवाज़ आती है जब आप घुटनों को बेंड करने की कोशिश करते हैं या नीचे बैठने की कोशिश करते हैं। तो ये शुरुआत है, आपको भी इसमें सावधानी रखने की आवश्यकता है और इन एक्सरसाइजों को जो मैं बताने वाला हूँ इनको अपने जीवन में शामिल करने की आवश्यकता है। अपने पैरों को इस प्रकार से सामने की ओर खोल लीजिए। सूक्ष्म योग का अभ्यास आप देखने जा रहे हैं। ये अभ्यास करते समय आप सावधानी से करें, धैर्यता के साथ करें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, क्योंकि कई बार आप जब करते हैं तो आप जल्दबाजी से करते हैं, तेजी से करते हैं, उसका कोई खास लाभ नहीं होता, वो लाभ आपका कम हो जाता है। तो पहले हम दोनों पैरों को इस प्रकार से मिलाएं, दोनों हाथों को पीछे रख लें दंडासन की स्थिति में, और श्वास लेते हुए अपने पैरों को सामने की ओर खींचे, इस प्रकार से श्वास का ध्यान रखें, फिर पीछे श्वास छोड़ते हुए आगे पीछे, श्वास लेते हुए आगे की ओर खींचे, श्वास छोड़ते हुए पीछे। इसे आप 20 काउंट करें, इसे 1 2 3 4, आगे जाते हुए श्वास लें, पीछे आते हुए श्वास छोड़े, पूरा स्ट्रेच करें पीछे। तो 20 करने के बाद फिर आप इसको थोड़ा होल्ड करें, सामने की ओर स्ट्रेच करें, ऐसे होल्ड करें, और मन ही मन 10 काउंट करें, खिंचाव पूरा बनाकर रखें, और पूरे अपने लेग्स में की मांसपेशियों में, पूरा नस नाड़ियों में इस खिंचाव को फील करें। फिर पीछे की ओर स्ट्रेच करें, पीछे भी आप 10 काउंट करें, होल्ड करके करना है। पहले कंटिन्यू किया आपने 20 काउंट करते हुए, अब आपने होल्ड करना है इसको, और ये होल्ड आप कितनी बार करेंगे इसको आप कम से कम 3 बार से शुरू करें। आगे की ओर खींचें, पीछे, तो ये जब आप पूरा पीछे की ओर खींचते हैं तो ये पूरा एक राउंड हो जाता है आगे और पीछे का। तो ऐसे आप कम से कम 3 राउंड और 10 काउंट करें, मन ही मन लगभग 10 सेकंड होल्ड करें, धीरे धीरे इस होल्ड करने के टाइम को आप बढ़ाएं। फिर आप 1 by 1 ऐसे, ये बहुत ही धैर्यता के समय, बार बार इस शब्द को रिपीट कर रहा हूं कि आप इसको बहुत पेशेंस के साथ करें, जल्दबाजी में बिल्कुल ना करें। सूक्ष्म योग ये देखने में बहुत ही आसान
लगते हैं, करने में आसान हैं, लेकिन यदि आप इनको ठीक से करेंगे तो इनका रिजल्ट बहुत ही आप जबरदस्त पाते हैं। इस प्रकार से ये भी 20 काउंट कर लीजिए, फिर धीरे से आप अपने पैरों को इस प्रकार से गोल घुमाएं, पैरों के पंजों को। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं पूरा गोल, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये आप 10-10 काउंट, 10 क्लॉकवाइज 10 एंटी क्लॉक, इस प्रकार से। फिर अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखेंगे और वन बाय वन इस प्रकार से अपने घुटनों को चलाइए। ये लगभग 1 मिनट तक आप इसे इसी प्रकार चलाते रहें। यहां से नीचे टच करें पूरा, इसको नीचे की तरफ टच करें। अपने हाथों को ऐसे आप नीचे रख लीजिए और इससे आपको पता भी चल जाता है कि आपके घुटने का जो पीछे का हिस्सा है वो नीचे टच हो रहा है या नहीं। अब आप इसको थाइज को खींचना है, आपको दोनों थाइज को श्वास लेते हुए इस प्रकार से, ये घुटने की जो पाली है आपकी ये ऊपर की ओर स्ट्रेच होती है। जब आप यहाँ से थाइज को खींचेंगे तो ऊपर की ओर ये स्ट्रेच होगी पूरी। पैर के पंजे ढीले रखें बिल्कुल, पूरा फोकस आपका यहाँ घुटनों से थाइज तक पूरा ढीला छोड़ें, श्वास छोड़ते हुए। फिर से श्वास लेते हुए खींचें पूरा, रोकें, छोड़ें, खींचें, छोड़ें, खींचें, पूरा खींचें। ये बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है सूक्ष्म योग का, इससे आपके घुटनों को जो घुटने जो घिस जाते हैं, लिगामेंट्स वीक हो जाते हैं, उनमें आपके ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है, ऑक्सीजन सर्कुलेशन ठीक होता है, तो मांसपेशियों में स्ट्रेंथ आने लगती है वापस। खींचिए इस प्रकार से, फिर थोड़ा सा दोनों पैरों को ऐसे खोलेंगे गैप करके और इसे राइट और लेफ्ट ऐसे टच करेंगे। जितना हो सकता है उतने से ही प्रारंभ करें, ये 20 काउंट करें। इस प्रकार से अब ये आपने किया, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, अपने घुटने को यहां से बेंड करते हुए अपने हाथों को इस प्रकार से रखें और पूरा दबाएं इसको, थोड़ी देर होल्ड करें, लगभग 10-15 सेकंड, 20 सेकंड, जितना आप रोक सकते हैं सीधा करें। फिर से होल्ड करें, दबाएं पूरा, दबाव दें, सीधा करें। इसी प्रकार से आप दूसरे घुटने से भी इसको करें, दबाव दें पूरा। ये हाथ पूरा नीचे रहना चाहिए आपकी, ये हथेली इस प्रकार से लॉक करके और घुटने से एकदम नीचे, और पूरा पुश करें इसको, घुटने से दबाव दें, सीधा करें। आप इसके नीचे आप हथेली की जगह कोई टावल का रोल भी आप करके रख सकते हैं, कोई कपड़ा या कोई टावल ऐसे आप रोल कर सकते हैं, और तो इसको आप पुश करें। ये बहुत ही जबरदस्त इफेक्ट होता है इन अभ्यासों को करने से। ये सूक्ष्म योग है, योग का एक पार्ट है सूक्ष्म योग। तो आपके घुटने बिल्कुल ठीक हो जाते हैं यदि आप इन अभ्यासों को करते हैं। और जब हम स्ट्रेच करते हैं तो बेल्ट का भी आप सहारा ले सकते हैं, किसी बेल्ट का या किसी टावल का आप इसको पकड़ के ऐसे स्ट्रेच भी कर सकते हैं, तो पीछे की ओर आगे की ओर इसको ढीला छोड़ें। फिर अपने शक्ति से करेंगे तो उसका ज़्यादा इफेक्ट है आपका जो है। तो आपने सूक्ष्म योग के इन अभ्यासों को देखा, इन अभ्यासों को आप अपने जीवन में अपनाकर घुटने के दर्द से, घुटने की सर्जरी से मुक्ति पा सकते हैं और अपने घुटनों को स्वस्थ कर सकते हैं। साथ में थोड़ा आहार पर भी आप ध्यान दें, अपने आहार से आप खट्टी और ठंडी चीज़ों को परित्याग कर दें। खट्टे चीज़ों में नींबू, अमचूर, इमली, टमाटो सॉस, इस प्रकार के जितने भी ये सब
पदार्थ है, इनको आप न लें लगभग 1 से 2 महीना, मैक्सिमम 3 महीना। 3 महीने में कैसी भी घुटने की प्रॉब्लम हो आपकी ठीक हो जाती है। ठंडी चीज़ों का प्रयोग आप ना करें, ठंडी चीज़ों से आपकी बॉडी में वात बढ़ती है और वायु विकृति से बॉडी में स्टिफनेस रहती है, नस नाड़ियों में कड़ापन हो जाता है जिससे ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता। तो ठंडी चीज़ों को भी अवॉइड करें। अब इसके उपचार पर बात करते हैं। देखिए, मेरे पास हजारों केसेस हमने ऐसे देखे हैं जो घुटने की प्रॉब्लम से ग्रसित थे और हमने इन अभ्यासों को उन रोगियों के ऊपर अप्लाई किया और वो पूरी तरह से ठीक हुआ। और कई ऐसे केसेस तो जिसको देखने से लगता ही नहीं था कि ये घुटना इनका ठीक हो सकता है, इसकी तो शायद एक मात्र सर्जरी ही उपाय। सर्जरी देखिए प्राथमिक उपाय नहीं है, सर्जरी अंतिम उपाय है। तो पहले आप योग करो, अपने खानपान को ठीक करो और अपने पेट को ठीक करो, जिसका मूल कारण तो पेट ही है, क्योंकि आपके यदि घुटने खराब हैं तो उसका मूल कारण जो है आपका पाचन तंत्र है। तो उन केसेस में भी हमने पाया कि इन एक्सरसाइजों के करने से बहुत ही ज़बरदस्त लाभ मिला है। ये योग के जो अभ्यास है इन्हें सूक्ष्म योग कहते हैं। अब जिनको घुटनों में बहुत अधिक प्रॉब्लम है तो वो मसाज भी करें अपने घुटनों। मसाज के लिए आप कौन सा ऑयल लें? मसाज के लिए जो आरोग्यम संस्थान से हमारे ऑयल प्राप्त कर सकते हैं वो स्पेशल नी के लिए ऑयल है, आप उसको प्रयोग करें। नहीं तो आप घर पर प्योर तिल का तेल जो है उसमें आप 3 कली थोड़ा सा लहसुन कि आप उसको भून लीजिए, आप उसी तेल से भी आप थोड़ा मसाज कर सकते हैं। तो मसाज आप 5-5 मिनट मसाज, बड़ी जेंटल मसाज करें, बहुत ही धीरे धीरे हल्के हाथ से, रगड़े नहीं उसको। और मसाज करते समय नी कैप के ऊपर पूरा जो है इस पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं इसको, दोनों नीज पर इसी प्रकार से जो है, और पीछे नी के पीछे साइड में भी उसको हल्के हल्के हाथ से ऐसे मसाज करें। तो ये मैंने आपको कुछ घुटने के लिए आज अभ्यास बताए, आप इनको करें और आपको जो भी लाभ हो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। या आपका कोई घुटनों से संबंधित कोई भी सवाल हो, कोई आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और आने वाली हम वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिनके घुटनों में आवाज़ें आती हैं वो किस प्रकार का आहार लें, अपने आहार में क्या चेंज करें और क्या खाएं और क्या ना खाएं, इस पर थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे, वो अगली वीडियो में करेंगे। आप लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति।